नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समास के जो भेद है उनके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, उनके विविध उदाहरणों से हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलो, इस संदर्भ में हमारा पहला समास है वो है अव्ययीभाव समास। क्योंकि हमें पता है समास के कितने भेद होते हैं, हमने पढ़ा था समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार भेद होते हैं। उन चार भेदों में जो हमारा पहला है वो है अव्ययीभाव समास। पहला हमारा कौन सा है? अव्ययीभाव समास। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है अव्ययीभाव समास, अव्यय। इसके अंदर किसकी प्रधानता होती है? अव्यय की। किसकी प्रधानता होती है इसमें? अव्यय की। यानी अव्ययीभाव समास जिसमें अव्यय की प्रधानता हो, ठीक है जी। अब इसके अंदर चार कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें चार कंडीशन होती है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है? प्रथम पद या प्रथम शब्द कह सकते हो आप, पद कह सकते हो इसे, प्रथम पद अव्यय हो। पहला पद तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। द्वितीय पद कह सकते हैं, द्वितीय शब्द कह सकते हो, और द्वितीय पद क्या होना चाहिए? कोई संज्ञा शब्द। यानी हमें पता है समास के अंदर कितने पद होते हैं? समास के अंदर दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, ठीक है जी। दो पद होते हैं। पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। इसको पद को पदार्थ भी बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पद, यानी बाद वाला। पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद या उत्तर पदार्थ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया और ये पूर्व पद हो गया। तो इसके अंदर प्रथम शब्द या प्रथम पद अव्यय होना चाहिए और द्वितीय पद या द्वितीय शब्द क्या होना चाहिए? कोई संज्ञा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, पूर्व पदार्थ। पूर्व यानी पहले वाला। पूर्व पदार्थ जिसको हम अव्यय भी बोल सकते हैं, उसकी क्या होती है? प्रधानता। क्या होती है? प्रधानता। यानी अव्ययीभाव समास में किसकी प्रधानता होती है? अव्यय की प्रधानता होती है। और अव्यय कौन से पद में होता है? पूर्व पद में, पहले पद में होता है। तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन, दोनों पद मिलकर के क्या बन जाते हैं? अव्यय। दोनों पदों को जब मिलाया जाता है, यानी पूर्व पद को और उत्तर पद को जब मिलाया जाता है, तो मिलाने पे वो क्या बन जाता है शब्द? क्या किसमें बनेगा? अव्यय शब्द बनेगा। अव्यय शब्द का मतलब क्या होता है? उसके आगे फिर रूप नहीं चलते हैं। अव्यय शब्द का मतलब क्या हुआ? उसके आगे रूप नहीं चलते हैं, ठीक है जी। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी, जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें जब समस्त पद मिलेगा, जब समस्त पद बन जाता है उसका, समस्त पद बनेगा, वो किसमें बनेगा? नपुंसक लिंग एक वचन। किसमें बनेगा? नपुंसक लिंग एक वचन। ये फिक्स होता है। यानी जो अव्ययीभाव समास का जो समस्त पद है, समस्त पद यानी इनको पूर्व पद और उत्तर पद को हम जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो हमारे पास नया बनेगा समस्त पद, वो हमेशा किसमें बनता है? नपुंसक लिंग एक वचन। किसमें बनेगा? नपुंसक लिंग और एक वचन में, ठीक है जी। तो अव्ययीभाव समास की कितनी कंडीशन हमने पढ़ी है? चार। कौन कौन सी? इसमें अव्यय की प्रधानता होती है, ठीक है। कह सकते हो आप कि इसमें पहला पद है वो तो कोई अव्यय होता है, दूसरा पद है वो क्या होता है? कोई संज्ञा शब्द। इसमें अव्यय यानी पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है जी। दोनों पद मिलकर के इसमें क्या बन जाते हैं? अव्यय बन जाते हैं। और अव्ययीभाव समास में समस्त पद होता है वो हमेशा किसमें होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अब हम इसकी कुछ उदाहरणों से और विस्तार से चर्चा करते हैं। चलो हम इसके उदाहरण देखते हैं अव्ययीभाव समास के। पहला है अव्यय है उप, यानी पहला अव्यय हमारे पास कौन सा है? उप। अगर मान लीजिए जो समस्त पद है वो उप से स्टार्ट होता हो, समस्त पद किससे स्टार्ट होता हो? उप अव्यय से स्टार्ट होता हो। तो अगर उप अव्यय से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? इसके अंदर एक चीज हमें ध्यान रखने योग्य है कि जब इसका समस्त पद बनेगा तो वहां पे अव्यय को लिखा जाता है, और जब उसका समास विग्रह करते हैं वहां पे अव्यय के अर्थ को लिखा जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि जब इसका समस्त पद बनेगा वहां पे तो किसको लिखा जाता है? अव्यय को। और जब उसका समास विग्रह किया जाता है, जब समास विग्रह करेंगे, विग्रह करते समय उस अव्यय को नहीं लिख करके अव्यय का क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। तो इसका जो विग्रह होता है वो अर्थ में होता है, और जब उसका समस्त पद बनता है तो वो अव्यय शब्द में बनता है, ठीक है। उप की कंडीशन देखते हैं। अगर प्रथम पद
अव्यय उप हो, इस कंडीशन में उप का अर्थ लिखेंगे समीपम। उप का अर्थ क्या लिखेंगे? समीपम। और जो आगे संज्ञा शब्द लिखा होता है उस संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। उस संज्ञा शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। यानी अगर प्रथम पद उप हो तो हमें क्या करना है, समास विग्रह करते समय उप का अर्थ लिखेंगे समीपम और संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलो उदाहरण से देखते हैं। पहला है उपकृष्णम। शब्द क्या है? उपकृष्णम। बताइए इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? उप। कौन सा है इसमें अव्यय शब्द? है उप। प्रथम पद इसमें कौन सा है? उप। और संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है? कृष्णम। संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें? कृष्णम। तो जो संज्ञा शब्द आगे वाला कृष्णम है, इसका जब विग्रह करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, यानी उत्तर पद को पहले लिखेंगे और पूर्व पद का अर्थ आगे लिख देंगे। इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का। हम इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी का, क्योंकि उप के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कृष्णम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कृष्णम शब्द, कृष्ण शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं तो क्या बनता है? कृष्णस्य। क्या बनता है? कृष्णस्य। उपकार क्या होता है? समीपम। उपकार हमने पढ़ा था क्या होता है? समीपम। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका समास विग्रह? कृष्ण से समीपम, कृष्ण से समीपम। और जब इसको वापस जोड़ेंगे तो पहले हम इस पद को लिखेंगे, ठीक है, इस पद को हम यहां लिखेंगे। इसका ये जो अर्थ था इसका, ये किस अर्थ, कौन से अव्यय का अर्थ होता है? उप का। तो समीपम को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? उप। इसमें से विभक्ति का लोप कर देंगे, नपुंसक लिंग एक वचन में करेंगे तो कृष्णम बनेगा। शब्द क्या बनेगा? उपे कृष्णम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब दूसरा उदाहरण है उपगंगम। अव्यय कौन सा है? उप। शब्द कौन सा है? गंगा। शब्द कौन सा हमारे पास? गंगा। ठीक है, अब गंगा शब्द स्त्रीलिंग का होता है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा? गंगायाः। क्या बनेगा? गंगायाः। तो गंगा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा के बना दिया गंगायाः। उपकार लिखेंगे समीपम, गंगायाः समीपम, गंगा के पास। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो समीपम कौन से अव्यय के लिए आता है? उप के लिए। और गंगायाः शब्द में षष्ठी विभक्ति हटा करके इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमने पढ़ा था इसको नपुंसक लिंग एक वचन में बना देंगे तो नपुंसक लिंग एक वचन में क्या बन जाएगा? गंगम। शब्द क्या बनेगा? उपे गंगम, उपे गंगम, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हमारी कंडीशन हो गई उप की, कि अगर प्रथम पद उप हो तो ये कंडीशन लगेगी, उसका अर्थ लिखेंगे समीपम और आगे वाले शब्द में लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रति। दूसरा अव्यय क्या है? प्रति। यानी अगर प्रारंभ में प्रति अव्यय दे रखा हो तो क्या करेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे। प्रति हमेशा विप्सार्थ प्रयुक्तम, विप्सार्थ में प्रयुक्त होता है। प्रति हमेशा कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है? विप्सार्थ में। विप्सा का मतलब होता है आवृत्ति। विप्सा का मतलब क्या होता है? आवृत्ति, यानी बारंबार। इस अर्थात जो संज्ञा शब्द है उसकी दो बार आवृत्ति की जाती है। संज्ञा शब्द की क्या करेंगे? दो बार आवृत्ति कर देंगे। और विभक्ति कौन सी लगती है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर प्रति शब्द दे रखा हो प्रथम अव्यय में तो हमें क्या करना है, विग्रह करते समय प्रति का जो अर्थ है विप्सा अर्थात संज्ञा शब्द को हम दो बार लिखेंगे द्वितीय विभक्ति लगा करके और उसके आगे प्रति शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्रतिदिनम, उदाहरण क्या है? प्रतिदिनम। इसमें अव्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? प्रति। कौन सा अव्यय जुड़ा हुआ है इसमें? प्रति। और शब्द कौन सा है? दिन। दिन या दिनम कह सकते हो। ठीक है, तो इस दिन में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे दिनम बनेगा। दो बार लिखेंगे दिनम दिनम, सेम विभक्ति में लिखना है द्वितीय में, और आगे क्या जोड़ देंगे? प्रति। दिनम दिनम में प्रति, इति प्रतिदिनम। ठीक है, दूसरा उदाहरण प्रतिकूलम। यहाँ पे अव्यय कौन सा है? प्रति। कौन सा है? प्रति। और यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा है? कूलम। इसमें द्वितीय विभक्ति लगा करके क्या बनेगा? कूलम। दो बार लिखेंगे कूलम कूलम और आगे क्या जोड़ देंगे? प्रति। कूलम कूलम में प्रति। ठीक है, जैसे एक मैं शब्द बताऊं प्रतीकम। शब्द क्या है? प्रतीकम। बताइए इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है? ठीक है, एकम। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? एकम। और यहाँ पे अव्यय कौन सा है? प्रति। प्रति एकम, तो एकम को दो बार लिखेंगे एकम एकम ए प्रति, एकम एकम और ए प्रति, एकम एकम प्रति इति प्रतिकम। ठीक है, दो उदाहरण हो गए अपने, कौन कौन से अव्यय से देखे हमने? उप से देख लिया और प्रति से देख लिया। हमारा तीसरा अव्यय है, अगला अव्यय है अपना निरव्यय।
निरव्यय किस अर्थ में आता है? अभाव अर्थ में। किस अर्थ में आता है? अभाव अर्थ में। और इसके योग में जो संज्ञा शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी संज्ञा शब्द में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है निर्मक्षिकम। उदाहरण क्या है? निर्मक्षिकम। इसमें अव्यय कौन सा लगा हुआ है? निर। कौन सा लगा हुआ है? निर। निर अव्यय का प्रयोग किया रहा है ऊपर है इसमें। ठीक है, अब इसका जब समास वगैरह करेंगे तो ये मक्षिका जो शब्द है इसके अंदर कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। अब मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव, मक्खियां बहुवचन में है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेगा। मक्षिकाणाम। क्या लगेगा? मक्षिकाणाम। जैसे बालकस्य बालक्यो बालकाणाम, वैसे ही मक्षिकाणाम। और निर का अर्थ क्या लिख देंगे? अभाव है। हमारे पास समस्त पद तो बनेगा निर्मक्षिकम और समास विग्रह क्या बनेगा? मक्षिका नाम अभाव है। दूसरा है जैसे निर्धन है, हिंदी में क्या होगा? धन का अभाव। ठीक है, तो धन संज्ञा शब्द है तो क्या बनेगा? धनस्य षष्ठी विभक्ति लगाने पे। और निर का अर्थ क्या लिखेंगे? इसमें भी निर अव्यय है तो निर का अर्थ क्या लिखेंगे? अभाव है। अर्थ क्या लिखेंगे? अभाव है, धनस्य अभाव है। ठीक है, ये अपना हो गया निर अव्यय अगर प्रारंभ में हो तो। अगला है अपना यथा। अगर प्रारंभ में यथा हो तो क्या करेंगे? इसका अर्थ लिखेंगे अंतिकर्म में अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा शब्द किस अर्थ में आता है? अंतिकर्म में, यानी के अनुसार जिसको बोल सकते हैं। और विभक्ति कौन सी लगाते हैं इसमें? द्वितीया। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथाशक्ति एक उदाहरण है। यथाशक्ति इसमें कौन सा अव्यय मिला हुआ है? यथा। कौन सा अव्यय मिला हुआ है? यथा। शब्द कौन सा है? शक्ति। द्वितीय विभक्ति लगाएंगे क्या बनेगा? शक्ति। और यथा का अर्थ क्या लिखेंगे? यथा का अर्थ लिखेंगे अंतिकर्मे। यथा का अर्थ क्या लिखेंगे? अंतिकर्मे। शब्द क्या बनेगा? शक्तिम अंतिकर्मे इति यथाशक्ति। ठीक है, हो गया अपना, ये अपना हो गया यथा अव्यय का। अब अपने चार पढ़ लिए हैं, यथा हो गया, निर हो गया अपना, इसके अलावा हमने पढ़ा था उप भी पढ़ लिया हमने और प्रति भी पढ़ लिया। इसके अलावा भी एक या दो अव्यय और है, उनका भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अगला अपना अव्यय है अनुअव्यय। कौन सा अव्यय है? अनुअव्यय। अनुअव्यय का अर्थ होता है योग्यम। कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है ये? योग्यम। ठीक है, और इसके संदर्भ में संज्ञा शब्द होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी लगती है? षष्ठी। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, अनुरथम। अव्यय कौन सा है इसमें? अनु। कौन सा अव्यय? अनु। शब्द कौन सा है? रूपम। रूपम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे क्या बनेगा? रूपस्य। और अनु का अर्थ क्या लिखेंगे? योग्यम। शब्द क्या, अपने समस्त पद क्या बनेगा? रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। ठीक है, एक होता है इसमें अनुरथम, एक उदाहरण होता है अनुरथम। अव्यय कौन सा इसमें? अनु। अब क्या बनेगा? रूपस्य योग्यम, रथस्य योग्यम। यहाँ पे योग्यम तो बैठ ही नहीं रहा, तो इसका दूसरा अर्थ भी होता है योग्यम के साथ पश्चात। दूसरा अर्थ इसका क्या होता है? पश्चात। पश्चात अर्थ में भी अनु अव्यय का या अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अनुरथम का क्या बनेगा? रथस्य पश्चात। रथस्य पश्चात, रथ के पीछे पीछे, रथस्य पश्चात। तो योग्यम और पश्चात दोनों अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला आप देखते हैं अधि। अधि उपसर्ग हो यानी अधि अव्यय हो तो क्या होगा? अधि अव्यय है वो सप्तमी विभक्ति अर्थ प्रयुक्तम, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी अधि जो अव्यय है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? सप्तमी विभक्ति अर्थ, यानी सप्तमी विभक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अधि हरि, यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? अधि अव्यय का। हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, हरो इति। हरो इति, अधि हरि, हरो इति, सप्तमी विभक्ति लगा देंगे सिर्फ इसमें। ठीक है, अगला है स। अगर हमारे पास स अव्यय दे रखा हो तो इसका अर्थ लिखेंगे सहितम और विभक्ति लगाएंगे तृतीया। विभक्ति कौन सी लगाएंगे? तृतीया। जैसे स चक्रम, तो चक्र शब्द में तृतीया विभक्ति लगाएंगे चक्रेण, और स का अर्थ लिखेंगे सहितम। स चक्रेण, तो क्या हो जाएगा? चक्रेण सहितम। जैसे एक और उदाहरण बताऊं मैं, स चित्रम। स चित्रम, तो यहाँ पे स अव्यय लगा हुआ है तो इस आगे वाले शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। तो चित्रम में तृतीया लगाएंगे तो क्या बनेगा? चित्रेण। स का अर्थ लिखेंगे सहितम, चित्रेण सहितम इति स चित्रम। ठीक है, ये अपना जो अव्यभाव समास था ये क्लियर होता है। हमने बहुत सारे इसके उदाहरण देखे, उदाहरणों से ये क्लियर हो गया कि जब हम इसका समस्त
पद बनाते हैं तो क्या करते हैं, समस्त पद बनाते समय उसके अंदर जो विभक्ति लगाई थी वो विभक्ति हटा देंगे और नपुंसक लिंग एकवचन में उसका प्रयोग करेंगे, और जो हमने अव्यय का अर्थ लिखा था वहाँ पे हम अव्यय लिखेंगे। यानी जब हम उसका एक समस्त पद बनाएंगे तब तो हम अव्यय लिखते हैं, और जब उसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय हमें उसका अर्थ लिखना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।